ये इंसान पिछले 20 मिनट से बाल बना रहा है और अभी तक रेडी नहीं हुआ है और ये इंसान खुद रेडी नहीं है। ऐसी जमका साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओह माय गॉड, पहुंच लिए अब तो हम। अरे थक गए भाई, कब आएगा? इसमें राइट लेफ्ट भी होता है लिखा हुआ, ये मुझे नहीं पता। हाई हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वासिफ ज़ुफिशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ हम चारों भी एकदम फिट एंड फाइन है। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये है आज का 28 तारीख और रिसेप्शन डे है, तो हम रिसेप्शन में जाने के लिए मैं स्पेशली तैयार होने के लिए बैठ रही हूँ। अभी 4 बजने वाले हैं और 4 बजने वाले हैं। मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स होके आराम से तैयार होंगी और फिर बच्चों को तैयार करूंगी, तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। सारा काम वाम निपटा के अब मैं फ्री होकर बैठी हूँ और अब मैं सोच रही हूँ आज मैं खुद से लेंस लगाऊं। मैं देख रही हूँ राइट आईज का कौन सा होता है, लेफ्ट आईज का कौन सा होता है। मैं बताऊं? लेफ्ट आई वाला लेफ्ट होता है, राइट आई वाला राइट होता है। कितनी ज्ञान वाली बात करी आपने आज। कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। मम्मा, आप मेरे अपने बैग में वो रुमाल रख लीजिएगा मेरा। अपना काम स्वयं करें, अपनी चीजें अपने आप रखें। तो जी गाइस, मैडम आज पहनने वाली हैं अपना ये ग्रीन सी ग्रीन वाला गाउन और आज हम करेंगे मैडम के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग। ये मेरी शर्ट बेबी पिंक कलर की, इसके ऊपर कोट और पैंट ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का। और वो कोट और पैंट कहाँ है? वो शायद यहाँ है, सबको अपना यही है। हाय, ये वाला तो गाइस ये देखिए, ये इंसान पिछले 20 मिनट से बाल बना रहा है और अभी तक रेडी नहीं हुआ है और इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि 6 बजे अगर रेडी नहीं मिली तो छोड़ के चला जाऊंगा। मैं 6 बजे से रेडी हूँ। मेरी देखिए माहिरा भी देखिए रेडी है, बहुत प्यारी पिंक डॉल लग रही है। ये इंसान खुद रेडी नहीं है। ऐसी जमका साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और हमें इल्जाम लगाया जाता है लेट होने का। देख लीजिए अब आज ऐसा हुआ है। आज नहीं, कल भी आपने, बारात वाले दिन भी सबसे लास्ट आप। यार ये संभलने में नहीं आ रही इतनी मुश्किल से। ये होता है ना एकदम से नहा के जाने में ना, क्यों नहाए फिर मॉर्निंग में? क्यों नहीं नहाए? हाँ, ये मॉर्निंग में बैंक गया हुआ था, नहा के जाते बैंक। नहीं, हमेशा हेयर्स को सेट होने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए। जाओ रेडी हो जाओ जल्दी से। रेडी होने की बात है ना। काउंट करो 1 2 और ये 3 एडिटिंग्स तक होगा। 1-3 सेकंड के अंदर रेडी होते हैं हम, भगाते हैं गाड़ी। चलो ये मेरा पारू मायशू रेडी हो रहा है, ये माहिरा रेडी हैं और ये मैडम रेडी हैं। मैं सबसे पहले की रेडी हूँ। चलो रेडी, स्लो सेटल। नहीं, एक सेकंड। पेट्रोल डलवाना है, वो तो रास्ते में से डलवा लेंगे। मायचू बैठ गया। हाँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था कोड। देखिए जी, ये हमारा एंड्रॉइड स्टीरियो। अब इसमें कुछ भी हम चला सकते हैं, वाईफाई। हाँ, कोको मेलन नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। गाना लगाया जाए जरा। पहले वाईफाई ऑन कर लिया जाए। हाँ, गाड़ी चला ली जाए। हाँ, पहले मैं करके फिर चलाएंगे फिर गाड़ी। चलाते वक्त माहिरा कंट्रोल कर लेगी। माहिरा को मैंने बता दिया। हाँ, चले चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आवाज़ ली कर लो। ठीक है मायरा, यहाँ से प्लस माइनस होगी और वो ओह माय गॉड पहुँच लिए। अब तो हम जाम आ गया, जाम 7 मिनट का। अरे थक गया भाई, कब आएगा? अरे यार इतनी दूर। Many unbearable hours later. तो जी गाइस फाइनली जद्दोजहदों के बाद वी आर रीच्ड इन आवर लोकेशन। कहाँ पार्क करनी है भैया? पहले मैं देना चाहूँ। हाय गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं रिसेप्शन पार्टी में। ब्राइड की मदर यानी कि हमारी मामी साथ हमारे साथ खड़ी है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। बारात वाले दिन बहुत बिजी थी, मैं थोड़ा लंबा शॉट ले नहीं पाई। आज मैंने शॉट ले ली, बहुत प्यारी लगी। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिव है। मेरे भी, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे। थकान अलग ही लग रही है आवाज में, बिल्कुल बैठ गई है आवाज। तभी अच्छी होती है, थकान हो ही जाती है। आपने शुक्रिया बच्चों। बाकी हमारी टीम अभी तक आई नहीं है और उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। अभी मैसेज वगैरह डाले हैं कि भाई कहाँ हो, क्योंकि थोड़ा सा दूर है लोकेशन, तो आने में टाइम लग रहा है। जैसे जैसे सब आते जाएंगे आपसे मिलवाते जाएंगे। और एक स्पेशल जो बारात में रह गए थे उनसे जरूर मिलवाइएगा। आज कौन मैसेज नहीं आया था? हाँ, उनसे जरूर मिलवाइएगा। क्या हुआ? यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं? नहीं, यहाँ तो वो दोनों बैठेंगे ना पहले। उनका नाम भी लगा हुआ है, नाम साइड के। अच्छा हाँ, तो यहाँ बैठ जाओ। कुछ खाए ना पहले? खा लो चलो कुछ खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो जी सर, ये है हमारे बड़े भाई। लास्ट व्लॉग में इनका चेहरा नहीं लिया था तो भाई नाराज हो गए थे। मेरी आवाज है, मैं चेहरा नहीं दिया मेरा, तो पूरा फ्रेम भाई के लिए। आज बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है भाभी? कहाँ है? अरे बाबू अरे दूर है, बहुत ही दूर। ये तो मैं झपकी आने लगी मुझे तो। तो बच्चा पार्टी आ गई है, माहिरा की फ्रेंड्स दोनों। अभी ठंड मना रहे हैं सब, सारे ठंड मना रहे हैं अभी तो। आउट साइड ही चलते हैं, देखते हैं। चलिए पापा के साथ चलिए, पापा के साथ चलिए। ये देखो गोलगप्पे की दीवानी, गला खराब हो रहा है और गोलगप्पे खाने नहीं। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सबसे बड़ा वाला लूंगी। The big size, the big one. उनको बुलाओ। ये क्या रेस होनी है अभी यहाँ पे? तो जी गाइस, कौन पहले पहुँचता है? हमारे दुल्हन के भाई मैं सारे कामों से फ्री हो गया हूँ। हाँ, मैं एकदम चिल मार रहा हूँ। चिल मारो। इनके व्लॉग से सबसे बेस्ट फायदा बताऊँ मैं आपको क्या है? सबसे बेस्ट फायदा क्या हो? वीडियोग्राफर तब देगा, अपने को अपडेट मिल जाती है रात में ही। अपने को पता लग जाता है, एंजॉयमेंट पूरा हो जाता है कि वीडियो आएगी तो बाद में आएगी, बस यही चीज। लेकिन ब्लॉग के अंदर तो ये है कि फटाफट आ जाएगा, पता चल जाएगा सब कुछ। ये क्या, ये लड़का क्या अपनी शादी की फोटो खिंचवाना चाह रहा है? हैं? ये रिश्ते के लिए फोटो खिंच रही है। माहू कम, माहू मैशू आओ। आ जाओ। ओहो, यहाँ पे कपड़े गंदे होंगे, यहाँ मत गिरने दो उसको, आगे लेकर आओ। Later that same evening. तो गाइस खूब सारी फोटो सेशन वीडियो सेशन करने के बाद हम लोग अंदर आ गए, क्योंकि अंदर था खाना, खाने का काउंटर अंदर था और बच्चों को भी बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। तो हम लोग अंदर आए हैं अब खाना खाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है आज के मेन्यू में। आराम से बैठे आप, भूख लग रही है बच्चों को। आ जाओ बैठो। रोटी चाहिए, पूरी चाहिए। तो जी गाइस ये है गाजर का हलवा, और ये रेड नहीं है, ये वाइट है। अच्छा है ना। Cheers. नहीं भागना ना, सामने से कॉफी ला दो। वो आ जाएगा। हु अरे नाटक कर रहे हो। और गाइस फिर लास्ट में पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, हम सारे गए स्टेज पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पूरा फैमिली ग्रुप फ़ोटो के लिए। और यहाँ पे देखिए मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था गाउन में, एक हाथ में मायशा थी, तो फ़ौरन माहिरा और माहिरा के पापा आए मुझे लेने के लिए। और फिर ये देखिए मायशा ने तो इतनी उधम मचाई है कि भागे जा रही थी, एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए रुक नहीं रही थी। और ये सारे मेरे ससुराल वाले साथ में खड़े हो रहे थे, फिर एक एक को बुला बुला के हमने पूरा ग्रुप फ़ोटो खिंचवाया, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा। बहुत ही मजे किए हमने इस लास्ट फंक्शन में। तो जी गाइस अब एक ग्रुप फोटो हो रहा है हमारे खानदान के साथ, मतलब ननिहाल वाले सारे लोग हैं इस वक्त मौजूद, तो सबका एक ग्रुप फोटो ले रहे हैं। भैया सारे आ जाने चाहिए, बहुत सारे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा गजब टूपीबाज आदमी, करते कैसे हो ये सब। तो जी गाइस आज का ये फंक्शन, बस हमारा ये रिसेप्शन का लास्ट फंक्शन था, और बस अब फंक्शन निमटने पर है। बस अब हम निकल रहे हैं अपने अपने घर, क्योंकि ना दूर है, थोड़ा सा ना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में भी। और बहुत ही अच्छा लगा मामी, बहुत ही अच्छा लगा फंक्शन। हमारे बच्चों के ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे वोट दीजिए। माइज ऑल ऑफ यू। और ये बच्चे को हाई मामी सास है, लेकिन ये मामी सास वाली कोई बात नहीं है, जस्ट फ्रेंड वाली बात है। फ्रेंड बिल्कुल ऐसा लगता है फ्रेंड है हमारे साथ। सारी सासें, मेरी जो सास है ना ये वाली सास रहनी चाहिए, जो बेस्ट है। थैंक यू बच्चों, बहुत ही अच्छे लगे सारे फंक्शन, लोगों ने बहुत एंजॉय किया आपके फंक्शनों को। शुक्रिया बच्चों, बस यही है कि दुआएं चाहिए आप सबके लिए, जो नया ब्राइड और दूल्हा है उनको भी, न्यूलीवेड कपल्स को, और जो ये मेरे बच्चे इन दोनों को, ये भी न्यूलीवेड है, मैं 7 साल तो हुए अभी, ज़्यादा थोड़ी हुए। इनको भी क्या कहते हैं कि इनकी भी लॉन्ग लाइफ हो, दोनों कामयाब इनकी भी जिंदगी हो, जो मैरिड कपल है उनकी भी लाइफ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सब अपनी दुआएं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा न्यूलीवेड कपल्स के लिए। फिर मिलेंगे, मेरे लिए स्पेशली कुछ कहिएगा हमारी मामी के लिए जरूर कमेंट करिएगा, मेरी मामी साथ आपको कैसी लगी। सबके स्टोरी पे पोस्ट करूँगा, मतलब कमेंट सारे स्टोरी पे पोस्ट किए जाएंगे फिर। ओके थैंक यू बाय बाय। वालेकुम सलाम। 1 hour later। तो जी गाइस घर के लिए निकल गए थे, रास्ते में कुछ शूट वूट नहीं किया। यहाँ पे ये लोग अपना व्लॉग देख रहे हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं, घर पहुँच गए हैं, बहुत ही करीब है घर के। चल के मिलते हैं आपसे घर पहुँचने के बाद। घर पहुँच गए हैं हम अपने, और इस वक्त 1:30 बज रहा है, रात के 1:30 बज चुके हैं हम लोगों को। और पता नहीं अंधेरे में कैसा आ रहा होगा कैसा नहीं। अंदर जाते हैं फिर बात करते हैं। वही कहाँ घूम रहा है, चला जाए यहाँ पे, जागा जा सो जा, जाके घूम रहा है आवारों की तरह। मैं गरीब उठ गई, आओ मेरा बेबी उठ गया। अरे वाह, ओ वाह कितने पारे कोक हैं, मायचू के कोक तो बहुत पारे हैं। हटो गए, हटो यहाँ से, हटो ना, हटो यहाँ से, हटो। क्या हो गया? हटो हटो, थकान हो गई ड्राइव करके। तो गाइस इस ब्लॉग को रखते हैं बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कोई भी मोमेंट आपको अच्छा लगा हो इस ब्लॉग में। तो ये था हमारा रिसेप्शन पार्टी वाला ब्लॉग, इस साल का लास्ट ब्लॉग रहेगा ये। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नए साल में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।